क्या आप सोने से पहले बेड पे मोबाइल का यूज करते हैं? अगर मोबाइल का यूज करते हुए आपका नेकखम ठीक हो जाए तो कैसा रहेगा? अगर आप ये करना चाहते हैं, अपने नेकखम को रिड्यूस करना चाहते हैं वाइल यूजिंग मोबाइल, तो आप ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगले 3 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे होगा। आइए वीडियो देखते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर नेहा खेरा, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट और आज हम बात करने वाले हैं नेक हम्प के बारे में। नेक हम्प तो आप सब जानते होंगे, इसे बफेलो नेक भी बोलते हैं, जो इस एरिए में उठा उठा सा होता है। यहाँ पे अपर बैक की तरफ नेक के नीचे और अपर बैक की साइड उठा उठा होता है, उसे नेक हम्प बोलते हैं। ये बिल्कुल दिखने में अच्छा भी नहीं होता है और ये आपकी बॉडी में होना भी ठीक नहीं है। तो बहुत ही इजीली और बहुत ही क्विकली आप इसको ठीक कर सकते हो। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, सोने से पहले आपको करनी है और अपने नेक हम्प को आपको ठीक कर लेना है। ये कुशन है, कुशनेबल एक पोजीशन हो जाती है यहाँ पे नेक की उठा हुआ, तो ये होना ठीक नहीं होता है। तो आप इसे जल्द से जल्द ठीक करिए और मेरे वीडियो को एंड तक देखिए कि कितनी इजीली आप नेक हम्प को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे कि हम आजकल देखते हैं कि जो हमारी बैठने की पोजिशन है वो थोड़ी झुक गई है। जैसे हम लैपटॉप पर काम करते हैं तो आगे की तरफ इस तरह से करते हैं, या मोबाइल चलाते हैं तो इस तरह से झुक के चलाते हैं, तो इस वजह से कई बार नेक हम्प को डेवलप हो जाता है। ऐसा नहीं है कि मोटे लोगों को ही में ही नेक हम्प डेवलप होता है, दुबले पतले लोगों में भी नेक हम्प हो जाता है, क्योंकि वो बैठने की पोजीशन के कारण या वर्क करने की पोजीशन जो आपकी होती है उसमें जो नेक की पोजीशन होती है उसके कारण। तो इसलिए आपको ये अपनी पोजीशन का भी ध्यान रखना है, पोस्चर का पूरा ध्यान रखना है और साथ में ही ईजी सिंपल एक्सरसाइज भी करनी है। तो आइए हमारी एक्सरसाइज को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये पोजीशन ले लेनी है 5 मिनट सोने से पहले। अमूमन हम सोने से पहले मोबाइल तो यूज़ करते ही हैं, तो इस पोजीशन में लेट के आप सामने मोबाइल या टैब या टीवी देख सकते हैं। मोबाइल या टैब आपको नीचे रख के, यानी पिलो के ऊपर रख के और फिर गर्दन झुका के नहीं देखना है, सामने हो किसी होल्डर पर रख के आपको इस तरह से मोबाइल वगैरह आप देख सकते हैं। आपको ये पोजीशन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लेनी है, वरना अपर बैक में पेन आने लगेगा। अब करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसमें आपको सबसे पहले आर्म की तरफ देखना है और फिर ऊपर देखना है। ये करते हुए अगर आपके आर्म में पेन आने लगे तो आप 5 रिपीटेशन से शुरू करिए, धीरे धीरे बढ़ाते हुए 15 रिपीटेशन से आ जाइए। ये एक्सरसाइज करते हुए आपको नेक हम्प वाली जगह पे स्ट्रेच फील होगा और जल्दी से जल्दी आपका नेक हम्प रिड्यूस होगा। ये सिंपल सी एक्सरसाइज है। अब कुछ टिप्स, नेक हम्प जो है वो ऊंचे पिलो पे सोने से या फिर 2 पिलो रख के सोने से भी डेवलप होता है। पर हम जब किसी को बोलते हैं, कोई पेशेंट को बोलते हैं कि आपको 2 पिलो रख के नहीं सोना है, मोटे पिलो पे नहीं सोना है, थिनर पिलो पे सोना है, तो वो एकदम ही पिलो को ऑफ कर देते हैं, विदाउट पिलो सोना शुरू कर देते हैं, जो कि फिर उनका हैबिट नहीं होती है तो ज़्यादा दिन तक वो ये कर नहीं पाते हैं। तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले आपको 1 पिलो को रिमूव करना है फॉर 10 मिनट्स। आप सोने से पहले 10 मिनट आप थिनर पिलो पे सोइए, उसके बाद आप अपना रूटीन जैसे सोते हैं शुरू हो जाएगी वैसे ही सोइए। नेक्स्ट कुछ दिनों के बाद आपको क्या करना है कि ये पिलो भी हटा देना है। अब आपको विदाउट पिलो सोना है 10 मिनट्स। इस तरह से आप सोइए, उसके बाद आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी इस तरह से सोने की। तो आपको हमेशा थिनर पिलो यूज करना है, और अगर आपको नेक हम्प है तो कुछ देर आपको विदाउट पिलो सोना है, फिर उसके बाद थिनर पिलो लेके सोना है, यानी पतला पिलो लेके सोना है। हमेशा आपको पतला पिलो ही यूज करना है। अब आपको आदत शुरू से 2-2 पिलो रख के सोने की या मोटा पिलो रख के सोने की, तो एकदम तो जाएगी नहीं, तो इस तरह से हाँ आपकी आदत को छुड़ाएंगे, तो आप नॉर्मल थिनर पिलो पे आ जाएंगे कुछ दिनों के बाद। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप मेरी ये दूसरी वीडियो जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है इसे भी आप जरूर देखिएगा। इसमें भी बहुत ही अच्छी सी एक्सरसाइज है, ये बहुत वायरल वीडियो है, इसे जरूर देखिए। और ये जो इस वीडियो में बताई हुई एक्सरसाइज है वो उसके साथ इंक्लूड कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।